वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। और आज जा रहे हैं हम अपनी फाइनली ट्रिमिंग करवाने के लिए, जो कि बहुत दिनों से पूरे हाल रखे थे। ये लो जी, चंपू जी रेडी हो गए। ग्रूमिंग हो गई, बस ऐसे नॉर्मल से ही कराया है आज बहुत, और ऑलमोस्ट पतन की ओर हैं बाल। फिर गाड़ी में डीजल पड़वा लें, फिर गाड़ी धुलवानी है, और फिर जल्दी जल्दी नहा धो के और फिर जो है निकलना है चांदनी के पास और ईशु के पास। नहा धो के हो गए जी तैयार, ये बन गया जी लुक। हैवान से शैतान से इंसान बन गए। देखो जी, लाइट का कट्टा, लाइट ये है हमारे छोटा पार्टी, छोटा पार्टी। ये कौन है? और वो कौन है छोटा वाला भैया? छोटा भैया भी तो है, वो है छोटा भैया। और प्रीसा दीदी कहाँ है? ये है मेल ईचा, ये छोके उठाए। अब हम जा रहे हैं घूमने के लिए बाहर, है ना? देखो मैं चॉकलेट खा रहा हूँ। और ये देखो, ये भी है पार्टी, बच्चा पार्टी शादी के सारे। देखो आरती, हेलो आरती। लड़का छोड़े तब तो बात छोड़ देना। एक वो भी है छोटा चेतन हमारे पास। प्रियोटना भाई को भी, छोटे भाई को भी वो है, वो है। और ऋषु इधर देखो, त्रिचा भी है, पूरी टीम जा रही है भाई। बच्चे पार्टी के साथ आनंद ही आनंद। खूब मजा आता है इन सबके साथ, फैमिली इज फैमिली। और छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चे, इनोसेंट सोल, मजा ही अलग है इनके साथ। वही हमारी, दिखाओ देखो हमारी बेटी ने क्या पहनी है, चूड़ी दिखा भाई। चूड़ी कहाँ है, कहाँ है चूड़ी? दिखाना हैंड, दिखाना हैंड, हैंड दिखाना। ओह, ईशु तो लड़की बन गई। अच्छा कर लो, पहले दोस्तों, पहले दोस्तों, पहले एक। ये देखो ये चिरान है। गाइस इनकी मेहंदी देखिए, चिरान। ये है ईशु की मौसी जी, इनकी मेहंदी देखिए आप, कितनी सुंदर लग रही है। ईशु, ईशु बना रहा है, देखो चूड़ी पहन रहा है। वाची नहीं है, मोची है। वो टूट गया है। हाँ हाँ, और मैं सुंदर लग रही हूँ, कह दो। देखो दोस्तों, देखो ये, देखो ये, देखो दोस्तों मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। और इसको ऐसे ये देखो दोस्तों, मैं ये पहन रहा हूँ। ओली चूड़ी पहन रही है मेरी बेटी। आप भी पहनोगे? बहुत सारे हैं, कल पहनोगे? पहनोगे, आ जाओ, आ जाओ पहन लो। कार्यक्रम चल रहा है जी। आ, मामा करण तो तुम भी नाच लो आके। अरे हाँ जी, लो लो, ये कौन है? सिस्टम। ओहो, और ये गिली कैसे कर ली? मैं यार, इन्होंने खेल खेल के पूरा, ये गिली कहाँ से हुई दिखा ना, क्या करा तुमने? ये? हाँ सुशु करिए क्या? हाँ? कब? सुशु हैं? हाँ जी, हम लोग घूम फिर के आ गए। और देखो ये क्या कर रहे हैं, ये कैप नहीं पहन रहे, इनको पापा को बुलाना पड़ेगा। बुलाऊं? पापा नहीं। ईशु बुलाना, आवाज देना मामा को। सॉरी मामा, सॉरी मामा, तेज बोलो। सॉरी मामा, मामा नहीं,
मामी को बुलाओ, मामी कह दो, पिंची मामी, पिंची मामी कह दो, ये मान नहीं रहा, नहीं मान रहा, इसके नहीं पहनना, आपका छोरा कह दो, आपका छोरा पहन नहीं रहा, नहीं पहनना। मौसम जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका है, बारिश हुई थी अच्छी खासी और बारिश की वजह से फोग सारा। बताइए अब इसकी पिटाई नहीं होगी। अच्छा अब ये मानता है, मानोगी? नहीं मानेंगे। क्या तो पिटाई हो जाएगी फिर, मान नहीं रहा भैया, मैं ब्लॉगिंग करने निकलता हूँ, इशू तुरंत आ जाता है कैमरे के सामने, बड़ी दिक्कत है। अब मैं ब्लॉगिंग करूँ तो करूँ कैसे, या तो इसको ही दे दूँ पूरा चैनल जो कि अभी बहुत फेमस हो चुका है। मुझे भी चैनल करना। इधर यहाँ तो आओ, यहाँ बैठो, पीछे यहाँ बैठ के करेंगे। मेरी टोपी चाहिए। टोपी आपको किसने दी अभी, दी तो थी चौके, किसने दी थी टोपी अभी? भैया इन्होंने बड़ा दुखी कर रखा है बहुत। मैं बता रहा था कि मौसम क्लियर हो चुका है यहाँ पे, फॉग वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल अच्छा रहा क्योंकि रात हो गई थी बारिश, अब बारिश की वजह से हवा है बहुत तेज़ और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन मौसम ऑल क्लियर है, बाकी ऑल गुड, सब ठीक है यहाँ पे। एक दो दिन में शायद यहाँ से निकलना होगा अपने घर की ओर। और प्रीक्षा जी आओ, प्रीक्षा आओ, प्रीक्षा दिखाता हूँ, ग्रेटर नोएडा की पूरी फीलिंग नॉस्टैल्जिक है एकदम, बारिश आने के बाद एकदम पूरा क्लीन हो गया एनवायरनमेंट और पोल्यूशन लेवल बहुत डिप हो गया, अब अच्छा लग रहा है, आज से 10 साल पहले लगभग ऐसा ही था, और अभी जब बारिश हो जाती है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एकदम बढ़िया हो जाता है। हेलो गाइस, ये परेशान करते रहते हैं मेरे को सारे के सारे, ये पिड़ियों के घर, लो ये पिड़ियों के घर है, ओहो लो शुरू, ओहो गाइस सॉरी माफ कर देना, ये ब्लॉगिंग जो है ना, ब्लॉगिंग नहीं हो रही, ये हो रही किड ब्लॉगिंग। यार ब्लॉगिंग में मजा नहीं आ रहा मुझे भी जरा कुछ दिन से, क्योंकि ना तो कुछ रूटीन मेरा सेट हो रहा है ना कुछ, और जब तक एक प्रॉपर सिस्टम ना बना हुआ हो ना, मतलब जिंदगी जीने का मजा नहीं आ रहा। एक बहुत लॉन्ग ट्रिप प्लान करी है, बड़ा मन है कि निकलूंगा, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें अभी ऐसी हो रखी हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से, देखो ये फ्लैट पर ले जाओ तो बोर हो जाता है, यहाँ ले आओ पीडीयू के पास जाना, पीडीयू के तो फिर यहाँ इनकी ये रहती है दोनों, देख रहे हो हाल बुरे हाल कर रखे हैं। अभी मेरा थोड़ा सा नेक्स्ट टारगेट ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी एक टाइम टेबल डिफाइन करके उसके ऊपर लेके चलूं, बहुत लंबे टाइम से वो पैशन ना, वो कीननेस, वो मन, मजा, अब बेटा नहीं नहीं ओहो भूत आ गया, देखो गाइस भूत आ गया, ओ भाई देखो गाइस देखो जाओ खेलो, जाओ दोनों आराम से खेलो, पूरे कपड़े इन्होंने बेकार कर दिए। तो भाइयों इस बोरिंग ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, ताकि कुछ अच्छा ब्लॉग आपको देखने को मिले, है ना, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, और उम्मीद है कि नेक्स्ट ब्लॉग इंटरेस्टिंग और अच्छा होगा। ईशा उठे, ठंड में यार नीचे फर्श पे लेट जाते हैं, इन्होंने बड़ा दुखी कर रखा है, देख गंदी बात है भाई साहब।
भयंकर आतंक जिसे बोलते हैं बच्चों का, फुल मौज एकदम। चलो तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गिविंग लव। वी विल मीट इन नेक्स्ट ब्लॉग, जब तक के लिए बाय बाय, राम राम।